इंटर क्लास के बच्चों की इंग्लिश प्ले में आज मर्चेंट ऑफ वेनिस का हमारा ये 12वां क्वेश्चन है और पेज नंबर 104 पर गिव ए सब्सटेंस ऑफ पोर्सिया स्पीच ऑन मर्सी। मर्सी के बारे में पोर्सिया ने शाइलॉक से ड्यूक महोदय की अदालत में क्या कहा था और किस तरीके से वो निवेदन कर रही थी कि एंटोनियो और शाइलॉक उसके बैसानियों के लिए एक मौका दे दिया जाए। पोर्सियाज स्पीच ऑन मर्सी इज वन ऑफ द मोस्ट मूविंग स्पीच इन द प्ले। इस नाटक में इसकी जो स्पीच है मर्सी के ऊपर, दया करुणा के ऊपर, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल स्पीच एज इट कुड बी यूज फॉर एनी एज टाइम कंट्री। प्रत्येक देश के लिए, समय के लिए, हर उम्र के लिए ये मर्सी, करुणा या दया ये बताती है कि हाँ वास्तव में दया क्या होती है। एंड पीपल, सब लोगों के लिए। पोर्सिया ग्लोरीफाई द वर्च्यू ऑफ मर्सी। पोर्सिया ने मर्सी एक गुण के बारे में, करुणा के बारे में बताया है। एंड अटेम्प्ट टू रिमाइंड नॉट जस्ट शाइलॉक के लिए प्रेरित किया उसने, बट ऑल हर रीडर्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सच ए वर्च्यू। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गुण है पूरे संसार के लिए। शी कंपेयर मर्सी टू हेवनली रेन एंड एक्सप्लेन दैट इट कैन नॉट बी पोर्ड ऑन एनीवन एज इट कम फ्रॉम विद इन। ये स्वर्ग से ऐसे बरसती हैं जैसे बारिशें होती हैं, उससे पोर्सिया ने तुलना की है। शी यानी पोर्सिया फर्दर सेज दैट वन हू शोज मर्सी एंड वन हू रिसीव इट मर्सी। वो कहती है कि जो दया या करुणा को प्राप्त करता है या जो इसे बांटता है, दोनों ही खुश होते हैं, बोथ आर ब्लेस्ड, दोनों ही प्रसन्न रहते हैं। शी डिस्कस्ड दैट इवन द माइटी आर नथिंग इफ दे कैन नॉट शो मर्सी। जो दया नहीं दर्शाते हैं वे ताकतवर नहीं हो सकते हैं। मर्सी इज द क्वालिटी ऑफ गॉड, क्योंकि ये ईश्वर की शक्ति है। सो मर्सी इज मोस्ट पावरफुल ऑफ ह्यूमन फॉर जस्टिस फॉर पब्लिक। वे राजा जो किसी जनता के ऊपर दया से मिलकर न्याय करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये शक्तिशाली है। तो इसे आप पढ़िए और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है और 104 नंबर पेज पर मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है इंटर में उसमें से लिया गया है। दैट्स ऑल।